राइस वीविल जो होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है साइटोफिलस ओराइजा, ठीक है। इसके अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रोमिनेंट स्नाउट प्रेजेंट होता है और उसके बेस के ऊपर क्या होते हैं, ये एंटीना जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इनके यहाँ पर क्या होते हैं, ये दो पेयर पे क्या होते हैं, लाइट ब्राउन या येलोइश कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो दो पेयर के अंदर येलोइश कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। जितने भी वीविल होते हैं, इसकी अगर लेंथ कंसीडर करनी है तो ये इसका स्पेसिमेन है जिस, तो इससे अप्रोक्सीमेटली आइडिया हो जाता है कि इसकी 2, 3 या 4 mm जो होगी वो लेंथ हो जाएगी। तो इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 या 3.5 mm होती है। और इसके अंदर इसका क्लियरली ये जो स्नाउट है वो दिखाई दे रहा है, एक प्रोमिनेंट स्नाउट जैसा स्ट्रक्चर जो है इस स्पेसिमेन के अंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी कि ये जो होता है कि ब्राउन कलर का बीटल होता है, 3.5 mm लॉन्ग होता है, एक प्रोमिनेंट रोस्ट्रम होता है जिसके बेस पे एंटीना प्रेजेंट होते हैं, और इसके यहाँ पर फोर विंग्स पे लाइट ब्राउन कलर के दो पेयर्स के अंदर क्या होते हैं, स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। मेल बीटल्स हमेशा की तरह छोटे होते हैं एज कम्पेयर्ड विद फीमेल वन। और साइट ओराइजा, क्योंकि ओराइजा सेटिवा राइस वीविल जो राइस है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है ओराइजा सेटिवा, तो उससे नाम याद रखा जा सकता है साइटोफिलस ओराइजा, क्योंकि साइटोफिलस ग्रेनेरियम भी होता है, जैसे ये यहाँ पर ही दे रखा है, तो इस तरीके से तो वो दे रखा है ग्रेन्स के लिए, तो ग्रीन वीविल। तो यहाँ पर राइस वीविल है तो ओराइजा, मेज वीविल है तो इसका जी मेज नाम आ गया साइंटिफिक नेम के ऊपर ऑफ द प्लांट जो है पेस्ट का नाम है। अब आते जो राइस या वीविल्स जो होते हैं उनको सबसे डिस्ट्रक्टिव पेस्ट की तरह कंसिडर किया जाता है। दीज आर कंसिडर्ड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ग्रेन पेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये ऐसा क्यों कहा जाता है, पहली चीज आती है कि जो, और इसके अंदर जो अडल्ट बीटल्स होते हैं और जो ग्रब होते हैं वो लेगलेस होते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं ग्रेन्स को। पहली चीज जैसे कि अगर हम इसकी फैमिली और ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर सिलोपिटेरा एंड फैमिली इज सर्क्यूलिनोइडिया। जो सर्क्यूलिनोइडिया होती है उसके अंदर ट्रू वीविल्स आते हैं। ट्रू वीविल्स के अंदर होता क्या है कि, और जैसे हम पल्स बीटल होती है उसको हम पी वीविल बोलते हैं, लेकिन वो ट्रू वीविल नहीं होती क्योंकि उसकी फैमिली होती है क्राइसोमेलिडिया। इनको ट्रू वीविल बोलते हैं क्योंकि इनकी जो फैमिली है वो है सर्क्यूलिनोइडिया। इनके अंदर होता क्या है, जैसे पल्स बीटल के अंदर क्या था कि फीमेल जो होती है वो ऑन द सर्फेस ऑफ जो ग्रेन होता है वहां पर एग्स को ले डाउन करती है, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल होती है वो क्या करती है, एक होल क्रिएट करती है ग्रेन के अंदर अपने मैंडिबल्स की मदद से, और उसके अंदर वो एग को ले डाउन करती है। 1 to 2 एग इन ईच ग्रेन वो ले डाउन करती है, और वहां पर वो कुछ वैक्सी या जेलिटेनियस फ्लूड सिक्रीट कर देते हैं ताकि वो ग्रेन से एडहेयर रह सके। उसके बाद लेकिन एक फीमेल टोटल 250 से 300 एग्स जो होती है वो ले डाउन करती हैं। इनकी जो लार्वा डेवलप करता है, फिर अंदर ग्रेन के अंदर ही जो एग होगा वो हैच करता है इन 2 to 4 डेज के अंदर, और उसमें से लेगलेस ग्रब, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि इनके अंदर जो ग्रब होता है वो कैसा होता है, लेगलेस होता है, तो जो ग्रब होता है वो निकलता है, और जो ग्रब होता है उसको टाइम लगता है 2 to 4 डेज का, उसमें से फिर वो व्हाइट कलर का होता है और वो ग्रेन के अंदर है तो वो ग्रेन के सॉफ्ट पार्ट्स के ऊपर फीड करता है। ये डिस्ट्रॉयड ग्रेन्स यहाँ पर शो कर रखे हैं, ये तो ग्रेनेरियम के कारण है और ये राइस वीविल के कारण है। उसके बाद आता है कि अब ये प्यूपेशन अंडरगो करेगा, तो प्यूपेट कहाँ पे करता है, ग्रेन के अंदर ही वो प्यूपेट करता है। प्यूपा जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है और 2.5 mm उसकी लेंथ होती है। इसको टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली 1 week का समर के अंदर। अडल्ट सीड से बाहर निकलता है, जैसे सरफेस के ऊपर दिखा भी रखे कि अडल्ट यूजुअली सरफेस के ऊपर होते, ग्रेन्स के अंदर नहीं होते, और वो ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं, फिर से वो होल क्रिएट करेंगे और एग्स को ले डाउन करती हैं। तो जो मेन डैमेज है वो कौन कॉज करता है, बाय द ग्रब, क्योंकि जो ग्रब होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर एक अंदर का जितना भी उसका मटेरियल होता है सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो सब क्या करते हैं, उसके ऊपर फीड करते हैं। तो इसलिए मेन डैमेज इज कॉज्ड बाय द ग्रब, एंड ग्रब एंड एन अडल्ट दोनों क्या करते हैं, फीड करते हैं ग्रेन्स के ऊपर। सीड बाद में क्या रहता है, जब वो सारे पार्ट के ऊपर फीड कर जाते हैं तो सिर्फ एक सीड कोट रह जाती है, और अब ये सीड कैपेबल नहीं है कि ग्रेन अब जर्मिनेट कर सके।
तो इस तरीके से अगर हैवी इन्फेस्टेशन अगर हो जाता है तो जो डैमेज होता है वो 50% तक हो सकता है। कंट्रोल के लिए हम वही है, फ्यूमिगेशंस कर सकते हैं, हम इनको सन के अंदर ड्राई कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और क्या आता है कि ये क्या करते हैं, ग्रेन्स का टेम्परेचर और मॉइस्चर जो होता है वो बढ़ा देते हैं ताकि वो जर्मिनेट हो जाए। जब ये जर्मिनेट होते हैं तो जो उसके अंदर ऐसा मटेरियल होता है, एक तो ग्रेन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर हमेशा पेस्ट को मल्टीप्लाई करने में हेल्पफुल होती है। ऊपर से जब भी जर्मिनेशन होता है तो जो भी सीड के अंदर स्टोर्ड फूड होता है वो उसको यूज करना स्टार्ट कर देता है, और मतलब कि एंजाइम्स वगैरह उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, तो पेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है उसके ऊपर फीड करना। उसके बाद आता है कि हम नीम या वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, और एरोसोल से सरफेस इन्फेस्टेशंस जो होती हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो विविल्स है, राइस विविल, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था राइस विविल के बारे में।